नगर निगम लुधियाना की ओर से शहर के पौश इलाकों में से एक उपकार नगर में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करवाते हुए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई वीरवार से शुरू की गई। निगम अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। निगम अधिकारियों का कहना था कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिए गए थे और अनाधिकृत बिल्डिंगों पर लाल निशान भी लगाए गए थे ताकि लोग खुद ही अवैध हिस्सों को गिरा दें। इलाके में कुल 25 इमारतों में 2 से 12 फुट तक अवैध निर्माण किया गया है जिनमें रिहायशी और व्यापारिक इमारतें शामिल हैं। 3 दिन तो नोटिस देते इन्होंने, तो असं 3 दिन तो अपनी कार्रवाई तोड़ बंदी की हुई है। सारी जिंदगी की मेहनत की हुई जी है, असं इन्हों जिस वक्त आए हैं असं तोड़ रहे हैं, फिर भी साडा तकशाही की जा रही है। असं इन्हों को टाइम मांग रहे हैं भी सानू उपर देखो बंदे लगे हुए हैं, 3 दिन तो असं तोड़ रहे, राति 3 बजे तक असं अपनी कार्रवाई तोड़ बंदी करते रहे हैं। सिर्फ 3 दिन पहला और अभी 3 दिन तो इन्होंने एक ही गल करें, सानू 10 का टाइम दे दो। साड़ी सर नीचे दुकानदारी है, उपर टावर है, BSNL का टावर लगे है, 50 फुट उपर है, किसी पास गिर जाए या कोई होर नुकसान हो जाए, कोई जानी नुकसान हो जाए, असं इन्हों को सिर्फ असं इन्हों की आर्डर मान रहे हैं, पर इन्हों को सिर्फ 10-15 दिन का टाइम मांग रहे हैं भी जिंद असी अपनी बिल्डिंग ढंग केक वागू कट लीए। और अन्य खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैमरामैन सुखदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट CNI।